दोस्तों अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज एक सटीक जानकारी प्रदान करने चल रहा हूँ। दोस्तों आप सभी ने सब्सिडी सुना होगा, लेकिन क्या सब्सिडी क्या होती है तथा कितने प्रकार की होती है और सब्सिडी से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, आइए दोस्तों हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि सब्सिडी क्या है और कितने प्रकार की होती है। दोस्तों आप सभी सब्सिडी के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे और कहीं ना कहीं आप भी सब्सिडी का जो है लाभ ले रहे होंगे। दोस्तों सब्सिडी एक प्रकार की वित्तीय मदद है जो सरकार द्वारा किसानों, उद्योगों, उपभोक्ताओं, मुख्यतः गरीबों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके कारण वांछित लोगों के लिए जरूरी चीज़ों के दाम नीचे आ जाते हैं। सब्सिडी से तात्पर्य डिफिनेशन ऑफ सब्सिडी क्या है? सब्सिडी एक प्रकार की वित्तीय मदद है जो सरकार द्वारा किसानों, उद्योगों, उपभोक्ताओं, मुख्यतः गरीबों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके कारण वांछित लोगों के लिए जरूरी चीज़ों के दाम नीचे आ जाते हैं। इस लेख में हम आप बता रहे हैं कि सब्सिडी कितने प्रकार की होती है और भारत सरकार द्वारा हर साल कितने करोड़ रुपए इस सब्सिडी पर खर्च किए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं सब्सिडी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सब्सिडी। पहला, फूड सब्सिडी। इस प्रकार की सब्सिडी में सरकार गरीबों के लिए सस्ते दामों पर खाद्यान्न, चावल, गेहूं, चीनी इत्यादि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से उपलब्ध कराती है। अर्थात सरकार किसानों से चावल, गेहूं, चीनी आदि महंगे दामों पर खरीदती है और उसे गरीबों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराती है। तो ये हो गया फूड सब्सिडी। फिर आता है किसानों के लिए सब्सिडी, फार्मर सब्सिडी। इस प्रकार की सब्सिडी में उर्वरक सब्सिडी, कैश सब्सिडी, ब्याज माफी, वाहन और अन्य उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी आदि शामिल किए जाते हैं। यानी जो उर्वरक है उसके दाम महंगे होते हैं, बनाने में लागत ज़्यादा लगती है, लेकिन किसानों को सस्ते दामों में उपलब्ध कराई जाती है। अर्थात सरकार सब्सिडी देती है, छूट देती है और सरकार खुद जो अंतर है उस पैसे को सरकार खुद भरती है। तेल ईंधन सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी। इस सब्सिडी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों को सरकार सस्ते दामों पर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराती है। इसके अलावा रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों में भी सब्सिडी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। कर सब्सिडी, टैक्स सब्सिडी। यह सब्सिडी मुख्य रूप से बड़े बड़े उद्योग घरानों को प्रदान की जाती है ताकि ये लोग अधिक लागत की हालत में उत्पादन करना बंद ना करें और देश में बेरोजगारी ना फैले। कई बार सरकार आयात और निर्यात पर लगने वाले कर में सब्सिडी भी उद्योग घरानों को उपलब्ध कराती है। धार्मिक सब्सिडी, रिलीजियस सब्सिडी। यह सब्सिडी मुस्लिम समुदाय के लोगों को हज यात्रा के लिए और हिंदुओं को अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हिंदू लोगों को अमरनाथ यात्रा करने के लिए 1,00,000 रुपये तक की आर्थिक सब्सिडी देने की घोषणा की। ब्याज सब्सिडी क्या है? इस सब्सिडी के अंतर्गत शिक्षा ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान सरकार करती है, साथ ही किसानों और उद्योगपतियों का ब्याज भी सरकार द्वारा माफ किया जाता है। सब्सिडी के उद्देश्य क्या है? सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य लागत और मूल्य के बीच के अंतर को कम करना है, जिसके माध्यम से जरूरतमंदों को लागत से भी कम दामों पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: देश में उच्च खपत उत्पादन को प्रेरित करना, कमजोर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करना, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। 2018-19 के बजट में सब्सिडी, वित्त वर्ष 2018-19 की कुल सब्सिडी बिल 2.9 करोड़ रुपये था, जो कि 2017-18 में 2,64,125 करोड़ होने का अनुमान था। 2018 के बजट प्रस्ताव के मुताबिक 2018-19 वित्त वर्ष के लिए सब्सिडी का मुख्य खर्च भोजन, पेट्रोलियम और उर्वरक पर होगा। कुल सब्सिडी बिल के लिए दी गई राशि पर सरकार ने 2017 में ब्याज भुगतान के रूप में 23,634 करोड़ रुपये खर्च किए थे और 2018-19 के लिए 20,917 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। खाद्य सब्सिडी। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए खाद्यान्न सब्सिडी के लिए 1,69,323 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 1,40,281 करोड़ रुपये था। देश में फूड सिक्योरिटी बिल के पास हो जाने से सरकार के फूड सब्सिडी बिल में बढ़ोतरी हो गई। उर्वरक सब्सिडी। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए उर्वरक सब्सिडी 70,079 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह राशि 64,997 करोड़ रुपये थी। पेट्रोलियम सब्सिडी। वित्त वर्ष 2017-18 में पेट्रोलियम सब्सिडी के रूप में 24,460 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो कि अगले वित्त वर्ष में 24,932 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस आवंटन में LPG सब्सिडी के लिए 20,370 करोड़ रुपये और केरोसिन के लिए
4,555 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये रहा सब्सिडी के विषय में संक्षिप्त जानकारी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।